नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन की सुपरहिट कल्ट क्लासिकल ब्लॉकबस्टर मूवी दीवार के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं फिल्म दीवार कितनी जबरदस्त मूवी थी, कितनी शानदार फिल्म की स्टोरी थी, उतना ही जबरदस्त फिल्म का स्क्रीन प्ले था। और दोस्तों डायलॉग्स के तो क्या कहना, कलाकारों की परफॉर्मेंस की क्या बात की जाए। अमिताभ बच्चन का परफॉर्मेंस देख लीजिए, शशि कपूर साहब का परफॉर्मेंस देख लीजिए, निरूपा राय का माँ का रोल क्या जबरदस्त था। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर मूवी थी दीवार। और दोस्तों फिल्म के जो जितनी अच्छी फिल्म की स्टोरी थी, जितनी अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट थी, उतना ही अच्छा ये चोपड़ा साहब का डायरेक्शन भी था। और सलीम जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी और डायलॉग्स इतने दमदार थे, इतने जोरदार थे कि डायलॉग्स आज भी आपको याद होंगे। दोस्तों जिनमें अमिताभ बच्चन द्वारा बोला गया डायलॉग कि मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, आपको याद होगा। इसके अलावा जब अमित जी तथा शशि कपूर, जो कि इस फिल्म में भाइयों के रोल में, दो भाई है जिसमें शशि कपूर रवि मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में और विजय अपराधी जो एक क्रिमिनल है अमिताभ बच्चन, इस फिल्म में किस प्रकार से वो एक गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और अपराध के दलदल में फंस जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में किस प्रकार सिद्धांतों का टकराव है, किस प्रकार उनके सिद्धांत उनके उसूल आपस में बिल्कुल ही अलग है और दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, इसके बारे में फिल्म थी। तो जब दोनों मिलते पुलिया के नीचे, आपको याद होगा वो पुलिया के नीचे मिलने वाला सीन, जब अमित जी और शशि कपूर आपस में मिलते हैं, शशि कपूर उनको समझाने के लिए आते हैं और अमित जी कहते हैं कि रवि तुम्हारे उसूलों से दो वक्त की रोटी भी नहीं गुंथी जा सकती है, क्या है तुम्हारे पास आज? मेरे पास आज गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? और जब शशि कपूर साहब कहते हैं कि मेरे पास माँ है, तो वो डायलॉग्स आपको आज भी याद होगी। बहुत जबरदस्त तरीके से वो ना केवल डायलॉग्स लिखे गए थे बल्कि वहां पे जो अमित जी और शशि कपूर साहब की जो एक्टिंग थी बहुत ही लाजवाब थी। तो दोस्तों इसी फिल्म के बारे में जब अमित जी से केबीसी में उनका जो शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, एक कंटेस्टेंट इसके बारे में जानना चाहते थे अमित जी से फिल्म दीवार के बारे में, तब अमित जी ने बताया कि क्यों दीवार फिल्म का एक सीन था जिसको करने में उनके पसीने छूट गए थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी और बहुत ज्यादा सोचना पड़ा था उनको। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया कि वो कौन सा ऐसा सीन था। वैसे तो दीवार फिल्म के मुझे तो सभी सीन बहुत ही क्लासिकल आइकॉनिक लगते हैं और हर एक सीन में अमित जी की जो परफॉर्मेंस थी बहुत लाजवाब थी, लेकिन अमित जी को कौन से सीन को करने में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कौन से सीन को करने में वो सबसे ज्यादा हिचकिचा रहे थे, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये वो सीन था जिस सीन में अमिताभ बच्चन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, जब उनकी माँ की हालत गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है और वो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रही होती है, उस समय अमिताभ बच्चन पहली बार मंदिर में प्रवेश करते हैं। आपको पता है इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को नास्तिक दिखाया गया है और वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, कभी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन जब उनकी माँ के ऊपर ये कठिन परिस्थिति आ जाती है, जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है, तब पहली बार वो मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान शंकर से अपनी माँ के जीवन की रक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। इस सीन के बारे में अमित जी ने कहा कि ये सीन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं सीन किस प्रकार से करूं, मुझे सुबह 7 बजे ये सीन करना था, शॉट रेडी हो गया था, ये चोपड़ा साहब मेरे पास आए थे और कहा था कि शॉट इज रेडी और मैं मेकअप करके तैयार बैठा था, मेरा लुक भी आ गया था, मैंने कॉस्ट्यूम भी पहन ली थी, सारा काम ओके था, लेकिन उसके बावजूद मैं 3-4 घंटे तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला था क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर मैं ये सीन करूं कैसे, क्योंकि ये इतना आइकॉनिक सीन था, इतनी ज्यादा मतलब मेरे दिमाग में एक तरह से मतलब चल रहा था कि किस प्रकार से ऐसे आइकॉनिक सीन को मतलब क्रिएट किया जाए, किस प्रकार से इसमें एक्ट किया जाए, ये खुलासा खुद अमिताभ बच्चन ने किया है। फिर उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट राइटर का धन्यवाद है कि उन्होंने इतने बेहतरीन डायलॉग्स इस सीन के लिए लिखे हैं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, डायलॉग्स पढ़े, तो उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ अब ये सीन कर सकता हूँ मैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको याद होगा उस सीन में अमित जी जब मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर की जो मूर्ति लगी हुई है सामने और वहां पर वो बोलते हैं कि खुश तो बहुत होंगे आज तुम, पहला डायलॉग उनका यही होता है इस सीन का, और उसके बाद में वो कहते हैं कि वो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं छड़ा, कभी तुम्हारे मंदिर में नहीं आया, वो आज तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़ा है और मैं इसलिए खड़ा हूँ भगवान कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने जो अपराध किया तो उसकी सजा मुझे दीजिए, मेरी माँ को सजा मत दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, कुछ इस तरह के वो डायलॉग्स थे, पूरे तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अमित जी का कहना है कि वो सीन करने के लिए वो बहुत हिचकिचा रहे थे, बहुत घबरा गए थे, बहुत नर्वस हो गए थे, और लेकिन जब उन्होंने ये सीन किया तो दोस्तों उसके बाद में आपको पता है कि ये सीन एक आइकॉनिक सीन बन गया, एक यादगार सीन बन गया
और इसके डायलॉग आज भी अमित जी के प्रशंसकों को याद होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।